देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियों में है मां गर्जिया देवी का पावन मंदिर। नैनीताल जिले के रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर सुंदरखाल गांव में स्थित है देवी का यह दिव्य मंदिर, जो कि एक बेहद छोटे से टीले पर बना हुआ है। यह मंदिर कार्बेट नेशनल पार्क से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। हरे भरे जंगलों में कोसी नदी के बीचों बीच बने माता पार्वती के इस मंदिर को स्थानीय लोग गर्जिया माता के मंदिर के रूप में जानते हैं। भक्तों को माता के दरबार में पहुंचने के लिए 90 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को गिरिजा भी कहा जाता है। हालांकि हरे भरे जंगलों के बीच इस मंदिर के बारे में लोगों का यह भी मानना है कि कभी यहां पर शेर आकर माता के मंदिर की परिक्रमा और गर्जना किया करते थे। उसी समय से लोग इसे गर्जिया माता के मंदिर के नाम से बुलाने लगे। माता गिरिजा का यह मंदिर चमत्कारों से भरा हुआ है। मान्यता है कि माता का यह मंदिर जिस टीले पर बना हुआ है वो कभी किसी पहाड़ से अलग होकर बहते हुए यहाँ आया था। मंदिर को टीले के साथ बहता देख भैरव देव ने उसे रोकने के लिए ठहरो बहन ठहरो कहा। भैरव देव के निवेदन को स्वीकार कर माता उनके साथ तब से यहीं पर निवास करने लगी। माता के इस पावन धाम के ठीक नीचे भैरव देव का मंदिर भी बना हुआ है। माना जाता है कि भैरव देव के दर्शन करने के बाद ही माता की साधना पूरी होती है। भैरव देव को यहाँ पर विशेष रूप से खिचड़ी का प्रसाद चढ़ता है। नवरात्रा तथा गंगा स्नान पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर वे मंदिर में घंटी या छत्र इत्यादि चढ़ाते हैं। गर्जिया माता मंदिर तक पहुंचने के लिए आप रामनगर तक ट्रेन और बस से आ सकते हैं। उससे आगे के लिए आपको टैक्सी या बस आराम से मिल जाएगी। रामनगर में रहने और खाने के लिए भी कई उच्च स्तरीय होटल उपलब्ध है। यात्री यहाँ से जिम कार्बेट नेशनल पार्क भी घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।